All right, जी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेजियन व्यू पॉइंट इसके ऊपर हम पहले कुछ बात करते रहे हैं लेकिन आपको मज़ा आएगा जब हम नए अंदाज से इसके बारे में बात करेंगे कुछ नई चीज़ें हमने इसके ऊपर देखनी है सो so, अगेन मैंने ऊपर लिंक्स दिए हुए हैं uh, और इसमें uh, एक डॉ डॉक्टर uh, माइन बर्गर के लेक्चर का भी है और कुछ और भी इसके अंदर लिंक्स हैं सो नाउ थिएटर इज जैसे ही हम बेजियन होंगे हुं, ना साथ ही एक तब्दीली आएगी वो जो थिएटा था ना हमारा जिसको अभी तक हम लेकर चल रहे थे कि वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स था और वो हमारा एक पैरामीटर था पूरी चीज के अंदर वो पैरामीटर से अचानक एक रैंडम वेरिएबल वेरिएबल बन जाएगा इट्स इट्स अ दैट कैन टेक ऑन वेरियस वैल्यूज फ्रॉम सैंपल स्पेस विद वेरियस प्रॉबिलिटीज कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ जुड़ी हुई होगी बाय द वे ये आपको मालूम होगा पहले से आपने पढ़ा हुआ होगा कि एक रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट हो तो उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जुड़ा होता है वो एक प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन होता है ठीक है जबकि जो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें बता सकता है डिस्क्रीटली कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या है एंड सो ऑन लेकिन अगर हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस हो तो उसके साथ जो चीज जुड़ी होती है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होती है जिसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है और एरिया अंडर द कर्व एक्चुअली हमें ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी वो वो इन्फीनिटली स्मॉल स्लाइस होता है तो वो जीरो होती है ठीक है तो आपको इंटीग्रेट एक इंटरवल को करना पड़ता है प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए

इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे नाउ दैट वी हैव इन द फॉर्म ऑफ ऑफ वेरिएबल, सो वी कैन एक्चुअली कंडीशन ऑन इट। ठीक हो गया जनाब अच्छा जी सो नाउ वी कैन पुट द रूल अब यहां पर यह बात आपको एक और बड़ी एक, uh, पहले कर चुके हैं आप लेकिन एक दोबारा एक रेवोल्यूशन मिलेगी ये कैलकुलेट करने के लिए बेज रूल दो चीजें यूज करता है एक में वो फ्रीक्वेंटिस्ट का अंदाज यूज कर रहा होता है और दूसरे के अंदर वो एक प्योर बेजियन अंदाज यूज कर रहा होता है ये प्रायर बिलीव्स है जिसको अब आप स्मूदिंग भी कह सकते हैं कह सकते हैं ना आप इसलिए स्लाइड में देख कर आए और ये आपके वो चीजें हैं जो डेटा से आ रही हैं ऑब्वियसली दिस इज गिवन डेटा राइट तो अब इसको सिर्फ रिवर्स कर दिया विच मीन्स अ डिफरेंट थिंग कि गिवन स्पैम क्या प्रोबेबिलिटी थी, ऐसा spam, क्या थी ऐसा right? -like thing, कि ऐसा डेटा आता गिवन नॉट स्पैम क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ऐसा डेटा आता राइट लेकिन दिस इज वे यू इनकॉपरेट द डेटा दिस इज योर फ्रीक्वेंट लाइक थिंग डेटा देखकर बात करो एंड दिस इज योर योर प्राइविलीव दिस इज लाइक द फ्रीक्वेंट इज स्मूदिंग लाइक थिंग कि जो प्रायर बिलीव्स को इनकोर्पोरेट कर रहा है पूरी चीज के अंदर बट सिर्फ बेस का एक जो बेजियन व्यू पॉइंट का फर्क है वो ये है कि ये एक्सप्लिसिटली अपने प्रायर बिलीव को अपनी इक्वेशंस के अंदर सेट कर देते हैं और अगर हम एक बात ये भी मैंने पहले वाजे की थी कि अगर हम अज्यूम कर लें कि आपका पी थीटा जो है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है यानी कि सारे के सारे पी थेटर यानी इक्वल टू स्पैम तो उस केस में योर मैप विल एसेंशियली कन्वर्ट इनटू इनटू दिस दिस दिसकुंटिस्ट लाइक एस्टिमेशन जहां पे सिर्फ डेटा की बेस पर आप बात कर रहे होंगे ये बीच में से इसका असर खत्म हो जाएगा इसको आप अब, अब जब मैक्सिमाइज करना शुरू करेंगे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं ठीक है, है? जैसा कि पीछे वाला पी डी भी इग्नोर हो जाना है

अब हम ये देखते हैं कि हम अपने प्रायर को बिल्ड कर सकते हैं अब जो अगली है वो आप से जो पे इसको आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग दो तीन नई चीजें आ रही है और मैं उनकी किसी लेवल ऑफ डिटेल तक जाऊंगा अच्छा जना हाउ डू वी डू दैट वी वी नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है जी हमारा पहला गोल ये है हमने अपना प्रायर अब हम करना क्या निकले हम करने ये निकले हैं कि हम किसी तरह से अपना प्रायर डिफाइन करना चाहते हैं फॉर द कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट हमारा प्रायर क्या होगा कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट में और अब हम कोई फॉर्मल तरीका निकालना चाह रहे हैं ना जो कि जर्नलाइजेबल और चीज़ों में भी यूज हो सके सो पी थिएटर को हम किस तरह से मॉडल करें उस प्रॉबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को या प्रोबिलिटी मैस फंक्शन को कैसे मॉडल करें ठीक है सो so, हम पहला गोल ये बना रहे हैं कि ऑब्वियसली वी वॉन्ट अ प्रोबेबिलिटी समथिंग जो कि सम टू वन होती हो जीरो से वन की रेंज के अंदर कोई चीज हो और दूसरी आइडियली वो कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशनल फैमिली से आ रही हो जे, जैसी डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है अच्छा अब हम ये क्यों कह रहे हैं हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा लाइवलीहुड फंक्शन है जिसको हमने कहा है कि हम फ्रिक्वेंटिस्ट अंदाज में एस्टिमेट करेंगे उसको तो एस्टिमेट कर रहे हैं हम यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप अभी पीछे देख कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से एस्टिमेट होगी वही फार्मूला यूज होगा वो आपका सिर्फ वो सेमिकोलन की जगह आपका गिवन आ गया था कंडीशनल आ गया था उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे ठीक है क्योंकि अब वो रेंडम वेरिएबल है अब उसको हम कंडीशनल कर सकते हैं लेकिन अब आपका लाइवलीहुड फंक्शन इज कमिंग फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम अपना प्रायर कहाँ से लाएं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा मैथ्स बड़ा आसान हो जाएगा अगर हमारा प्रायर भी किसी ऐसी से से आए जो के binomial की ताल्लुक रखती हो जैसी कोई distribution से लेकर आए ठीक है जिसके ऊपर प्रायर्स बन सकते हैं ठीक है तो अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकती है बहुत मिल सकती है वैसे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह से बना सकते हैं लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। so सो so, ये होपफुली आपने पहले पढ़ी होगी अगर नहीं पढ़ी तो मैं इन स्लाइड्स में भी किसी हद तक इसको कवर कर रहा हूँ और बहुत से लिंक्स मैंने आपको दे दिए हैं इंक्लूडिंग द लिंक्स ऑन एट द टॉप ऑफ दिस पेज ये मैं आपके नीचे उसमें भी डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में कि जिसको देख कर आप ना ये बेरा डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकें इसेंशियली बहुत आसान हाई लेवल वर्ड्स में बेरा डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बाइनरी आउटकम्स को की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल करना अलाउ करती है सो so, मेरे बाइनरी आउटकम्स हैड है ये टेल है तो अब हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है अब जाहिर है इनमें से किसी एक की ही देखने की जरूरत है दूसरी तो वन माइनस दी अदर है सो हाउ डू यू मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है वो करने के लिए यू कैन यूज अ बेरा डिस्ट्रीब्यूशन बेरा डिस्ट्रीब्यूशन दो वेरिएबल से कंट्रोल होती है एक आपके पास अल्फा होता है और आपके एक आपके पास बेटा होता है इन दोनों की वैल्यूज एक सक्सेसेस को और एक आपकी फेलियर्स को जो हमारे केस में टेल्स है इन दो चीजों को ये लेती हैं और इसकी मदद से हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना देती है हम अभी देखते हैं अगर इसी चीज को हम मल्टी डोमेन में ले जाए हाउ डू वी क्रिएट फ्रायर्स ओवर मल्टी वेरिएट फॉर्म्स जहां पर खाली बाउंड्री आउटकम्स ना हो दो से ज्यादा आउटकम्स हो सकती हूँ तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की जो मल्टी

यूजिंग द पैरामीटर्स एल्फा एंड बेटा और एल्फा और बेटा आप बहुत आसान वर्ड्स में आप समझ सकते हैं कि दिस आर योर नंबर ऑफ़ सक्सेस एंड योर नंबर ऑफ फेलियर सो एल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ हेड्स हम अभी जाकर आगे करेंगे मैं सिर्फ ये अभी लिख इसलिए रहा हूँ कि अगर आप घबराना सा शुरू हो गए हों तो घबराएं नहीं कोई मुश्किल बात नहीं आ रही सो लेट से एल्फा को मैं कह देता हूँ मेरे मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मेरे लेट से टेन हेड्स आए थे और बेटा को मैं कह देता हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मेरे लेट से नाइन टेल्स आई थी सो दिस वर माई हेड्स एंड वर माई टेल्स तो ये अल्फा और बेटा सेट हो गई और इसके ऊपर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई आ जाएगी जो हमें शो कर देगी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ द प्रॉबिलिटी ऑफ जो आपकी प्रॉबिलिटी ऑफ हेड्स है उसका मीन आपके पास जो आ रहा है वो ये तकरीबन कोई जीरो पॉइंट फाइव के कहीं करीब करीब ही आ रहा है

एंड दी अदर थिंग दैट यू सी हियर इज दिस अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन ठीक है तो ये अल्फा आपकी से द प्रोबेबिलिटी वो हैं जो आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं जैसे कि हमने अभी पीछे देखी थी एन एच की फॉर्म में ये आपके नंबर ऑफ फेलियर्स हैं यानी नंबर ऑफ टेल्स इस केस में हैं जो आपने अभी एन एन सब टी की फॉर्म में देखी थी और ये जो नीचे नजर आ रहा है ना ये आपका नॉर्मलाइजिंग Uh, वो है एक्सप्रेशन uh, है सो so, ये बी ऑफ अल्फा बेटा ये एसेंशियली देखो अब ये पूरी चीज़ को आपने किसी प्रोबेबिलिटी में बदलना है ना तो दैट नीड्स टू बी बिटवीन जीरो एंड वन इसको जीरो और वन के बीच में लाने के लिए इसको हम इस चीज़ पर डिवाइड कर रहे हैं ठीक है दिस इंश्योर्स के दिस अबव नंबर रिमेन्स नाइसली बिटवीन जीरो एंड वन राइट इसका जो तो एक्सप्रेशन अगर हम ओपन करें तो थोड़ा सा जरा क सा एक्सप्रेशन आता है जैसे वो वाइन बर्गर अपने उसमें कहते हैं कि इट्स यूज फॉर स्केयरिंग किड्स ऑन हेलोवीन तो लेकिन फिलहाल हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि सिर्फ नॉर्मलाइज करने के लिए और ये कुछ नहीं कर रहा है इस मौके के ऊपर तो लिहाजा वी कैन जस्ट इग्नोर दैट बी ऑन और सिर्फ ऊपर वाली चीज़ को देख सकते हैं जो कि सादी सी प्यारी सी और मासूम सी है वैसे है जैसे अभी हम देख कर आए राइट और राइट सो मै लेट मी जस्ट रिमूव सम स्टफ़ फ्राम दिस स्लाइड ताकि ये तस्वीर साफ नज़र आ सके Uh and let me just remove some of them. Alright, so this is an example um, from your main uh, fact. Let me just remove this as well. So this is your um, beta distribution for various values of of your alpha and beta. So up interesting point. Kar so let's say hum hain, alpha is equal to 2 and beta is equal to 2, which is the purple line. So this is the purple line. सो पर्पल लाइन नाइसली अपना बिल्कुल जो ये एवरेज दे रही है मीन दे रही है म्यू दे रही है वो जीरो पॉइंट फाइव के ऊपर दे रही है ठीक है सो so ये उसको मॉडल कर रही है नाउ यू सी अ लॉर ऑफ अदर थिंग्स फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्यूड फॉर्म्स में नजर आ रही होंगी इफ यू लुक इट दिस और यूर हेड्स फॉर एग्जाम्पल वर टू एंड यूर टेल्स वर फाइव तो ये हेड्स को नीचे ले आई है और ये जीरो पॉइंट टू के अराउंड कहीं लाकर हमें दिखा रही है which is ये ये वाले पॉइंट के ऊपर ठीक है ये यहाँ पर कहीं लाकर दिखा रही है एंड सिमिलरली अगर हम जो है वो किसी और को देखें लेट से दिस ग्रीन ये ग्रीन जो है ये भी यहाँ जा रहा है ये पूरे का पूरा अभी मॉडल नहीं हुआ वो डेटा कम है ठीक है अभी हम आगे बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं बट यू कैन सी और ये ये एक एक काफी इंटरेस्टिंग भी आपको नजर आ रहा है जो यू शेप का है जिसके अंदर दिस अल्फा एंड बेटा इज बेसिकली जीरो पॉइंट फाइव एक भी एक्सपेरिमेंट आपने पूरा नहीं किया है यहाँ पे वन कंप्लीट फ्लिप भी नहीं किया है जीरो पॉइंट फाइव जब वो वन माइनस होता है तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव हो जाता है और वो इस तरह की फॉर्म में बदल जाता है लेकिन अभी भी अगर हम प्रॉबिलिटीज निकाल रहे हो और इसके मीन्स वगैरह देखें तो वो फिर भी दे कंटिन्यू मेकिंग सेंस ठीक है जी अच्छा जनाब

ट्वेंटी परसेंट ऑफ टू थाउजेंड सो ट्वेंटी परसेंट के अराउंड मुझे शार्प पीक मिल रही है मीनिंग के मुझे जो मेरा म्यू uh, मिल रहा है मुझे जो मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रही है या मीन मिल रही है वो मीन जीरो पॉइंट टू पर मिल रही है सो दिस इज नाइसली कैप्चरिंग द बिलीफ माई माई द प्रॉबिलिटी ऑफ हेड्स एट दिस पॉइंट ठीक है एक और बात यहाँ जरूर ये यह नोट करें कि क्योंकि अब ये दो हजार फ्लिप्स हैं तो ये पीक बहुत पतली सी है और अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि इस की पीक की पतले और मोटा होने के ऊपर किन चीजों के असर आते हैं उससे पहले उस चीज को देखने से पहले एक्सक्यूज मी हम uh, एक और चीज नोट कर लेते हैं so, यहां आपके सामने दोनों चीजें लिखी हुई हैं यू हैव द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू कैन सी हाउ सिमिलर दे लुक लाइक इन दीज एरियाज हाउस सिमिलर दीज टू लुक लाइक ठीक है पहले तो सिमिलरिटीज़ नोट कर लें दोनों तरफ थेटा है दोनों तरफ थेटा के ऊपर जो चीज़ उसकी पावर में है यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स हैं यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड्स माइनस वन है माइनस वन आप

टी भी कह सकता था ठीक है और यहाँ पे सिमिलरली एंटी वाली ये ये में नजर नजर आ आ रही रही है तो आपको commonalities रही है। ये एक ऐसा आ, आ, फीचर है जो हमने कहा था नॉर्मलाइज करने के लिए है और यहाँ पर ये एक नंबर था जो हमारे पास आ रहा था इन दो को आप फिलहाल अगर इस गुफ्तु में इग्नोर भी कर दें तो आपको इतना बहुत मसला नहीं होगा फिलहाल हम इन दो चीजों की बात कर रहे हैं ये एक दूसरे से कितनी सिमिलर अब एक डिफरेंस की बात करें This binomial distribution is, the, is taking, in, uh, it's, 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 uh, taking in this n h, the number of heads. Or the number of heads is here. Or number of heads is here. Or number of heads is here. And this theta essentially is a parameter. So the parameter here is that what's the probability? The question you are what's the probability of exactly n h successes in n Bernoulli trials? So your probability, your probability, is a parameter. Whereas here <coughs> your theta is not a parameter, your numbers are parameters, the number of successes and failures are parameters, and your theta itself is now a random variable that can take on various values. जो कि यहाँ पर यह हमें दिखा रहा it's a distribution over theta. So how interesting is that? Basically यहाँ पर जो सवाल पूछना आप शुरू हो गए हैं, वो ये पूछना शुरू हो गए हैं. And stick with me on this one. और अगले एक दो slides में ये मजेदार हो जाएगा. व्हाट्स द probability ऑफ अ पर्टिकुलर probability ऑफ सक्सेस ठीक है ये चीज अभी अभी अगली स्लाइड में मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं तो मजीद क्लियर होती है सो so ये रैंडम वेरिएबल से आप जो सवाल पूछ सकते हैं वो इस तरह के सवाल हैं कि व्हाट्स द एक तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि मीनिंग हेड्स राइट एवरेज कहां पर आ रही है उसकी लेकिन दूसरा सवाल आप ये भी इससे पूछ सकते हैं कि आप ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स द प्रोबिलिटी दैट आल बी गेरिंग 50% heads. What's the probability that I'll be getting 80% heads? What's the probability that uh, what's the probability of me getting eight heads out of ten flips? So essentially, i dodo two probabilities ki A probability of a probability. And this beta distribution is you to This distribution actually allows you to model the probability of probabilities. ठीक है और ये अभी हम आगे मजीद इसको देखते हैं ठीक है तो ये हम इसको दो अंदाज से कह रहे हैं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस टू रैंडम आउटकम्स ठीक है अब देखिए जी एक बात मैं ये आखिरी एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद मैं डायग्राम्स पे चलता हूं जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट प्रायर हमने यहाँ पर दिया था ना कॉन्जुगेट प्रायर का कॉन्सेप्ट ये था कि फॉर सम लाइटलीहुड फंक्शंस इफ यू चूज अ सर्टेन प्रायर द पोस्टीरियर एंड इन द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्रायर

यू विल यूज द डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने कहा था ना कि डरिश्ले मल्टीवेट काउंटर पार्ट है आपके बेटा का तो डरिशले प्रायर जो हैं वो हमारे मल्टीनॉमल केस के अंदर प्रायर के तौर पे यूज होते हैं जहाँ पे हमारा जो लाइवलीहुड है वो मॉडल हो रहा होता है यूजली यूज मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और जो आपका पोस्टीरियर आएगा वो एक डरिश्ले पोस्टीरियर होगा ठीक है जो की अगेन वो पोस्टीरियर फिर किसी दोबारा किसी जगह प्रायर यूज किया जा सकता है और ये वो डिस्कशन है जो हमने बेज के बिल्कुल शुरू में की थी इस सब कुछ के फ़ायदा क्या होता है इसका फायदा ये होता है कि इससे हमारा मैथ्स इतना कन्वीनियंट हो जाता है इससे हमारा उसे सॉल्व करना इतना कन्वीनियंट हो जाता है कि बाज़ केसेस में हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ती सिर्फ वो अल्फाज और बेटाज की वैल्यूज़ को अपडेट करके अपने प्रायर को पॉस्टीरियर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं सो द होल थिंग बिकम्स रियली मैनेजेबल एंड रियली ईजी फॉर आस द इन इन द बिग पिक्चर अच्छा जी जो मैंने प्रॉमिस किया था ये बाय द वे एक एपलेट है जिसका मैंने लिंक शुरू में भी दिया हुआ है मैं इस स्लाइड पे देना भूल गया हूँ बिल्कुल शुरू में आपको एक लिंक मिलेगा जो इस एपलेट का है जहाँ पर आप इस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो आप इस फर्स्ट वाले केस को सबसे पहले देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योर इज टू एंड योर बेटा इज टू तो इस केस में इसने आपको जो है वो अगेन आपका जो म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो तो जीरो पे आई है दो आपने चार एक्स चार दफा कॉइन फ्लिप किया था दो हेड आए दो टेल आए तो ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज जीरो पॉइंट फाइव मेक सेंस लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसका इसकी वेट्स कितनी ज्यादा है मीनिंग इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा है ठीक है और इसकी वेरियंस भी बहुत ज्यादा है अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमने दो की जगह दस फ्लिप्स कर, बीस फ्लिप्स कर लिए सो चार की जगह बीस फ्लिप्स कर लिए बीस में से दस हेड आए दस टेल्स आए अगेन आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव के ऊपर है लेकिन नाउ यू कैन सी दैट दिस हैज़ बिकम मच नैरोअर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया इस बात के ऊपर जो हम कह रहे थे कि ये प्रॉबिलिटी ऑफ हेड जीरो पॉइंट फाइव है अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने हंड्रेड टू हंड्रेड फ्लिप्स किए हंड्रेड हेड्स थे टेल्स थी अगेन मेरा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव है लेकिन मेरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिवेशन और कम हो गई और मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास और ज्यादा कॉन्फिडेंट हम हो गए सो so, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा पीक नैरो होती जाएगी वेरिएबिलिटी कम होती जाएगी और हम ज्यादा पुख्ता यकीन रखते जाएंगे इस बात के ऊपर कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज जीरो पॉइंट फाइव और ना सिर्फ ये, बल्कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप अगर खाली लेट से सौ दफा कॉइन फ्लिप करते हैं और उसमें से पचास हेड पचास टेल्स आते हैं पचास को आप सौ पे डिवाइड करते हैं और वन ओवर टू अपने पास सेव कर लेते हैं यहां पर कहीं इंफॉर्मेशन नहीं रखी हुई कि आप इस चीज में इस बिलीव में कितने कॉन्फिडेंट हैं जबकि जब आप बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में उसको सेव करके रख रहे हैं तो आप ये एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी स्टैंडर्ड इविएशन ये सारी चीज़ें भी आपके साथ साथ जा रही हैं तो आप एक ज्यादा रिच इफॉर्मेशन अपने पास सेव कर रहे हैं ठीक है दूसरी बात आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स की हैं स्क्यू वाली एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने लेट से वन हंड्रेड फ्लिप्स किए हैं इस पहले वाले केस में सो आई हैव हंड्रेड फ्लिप्स और उस हंड्रेड फ्लिप्स में से मेरे पास ट्वेंटी हेड्स हैं और लेट से एटी टेल्स हैं एंड नाउ ए सी के ये ट्वेंटी परसेंट की अराउंड सो जीरो पॉइंट टू पे मेरा बिलीफ uh, आ रहा है टेन हेड्स हैं और नाइन्टी टेल्स हैं तो ये जीरो पॉइंट वन के ऊपर आ गया है अगेन uh, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास टू हेड्स हैं और नाइन्टी एट टेल्स हैं और ये जीरो पॉइंट जीरो टू पर आ गया है जस्ट टू परसेंट प्रॉपेबिलिटी ऑफ ऑफ गेटिंग अ हेड एंड देन हीयर मेरे पास सेवेंटी हेड्स हैं और थर्टी टेल्स हैं और ये पूरी चीज़ जो है ये सेवेंटी परसेंट के ऊपर चली गई है गया। तो अब ये, ये तो पिछली थी, examples, लेकिन जो दूसरी बात मैंने कही थी प्रॉबीबिलिटी प्रोबिलिटी यानी देखें अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से किसी को भी एक को ले लेते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से ये पूछना चाहूँ कि भाई प्रायर मुझे ये बताओ ठीक है तुम्हें जो जो इल्म तुम्हारे पास मौजूद है उसकी बुनियाद पर मुझे ये बताओ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे अगले सौ फ्लिप्स के अंदर मेरे थर्टी से ज्यादा हेड्स आएंगे सौ फ्लिप्स में थर्टी से ज्यादा हेड आएंगे तो ये ये कहेगा कि अच्छा मैं यहां से पकड़ता हूँ ये जो जगह आपको नजर आ रही है और इससे आगे इंटीग्रेट कर देता हूँ एरिया अंडर द कर्व इस पूरे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लेता हूँ इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का और फाइंड आउट कर देता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि तुम्हें थर्टी से ज्यादा हेड मिलेंगे अगले हंड्रेड फ्लिप्स के अंदर सो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्रोबिलिटी व्हाट्स द प्रोबिलिटीस ठीक है ये सवाल अगली चीज में हम देख लेते हैं ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले वाले के अंदर मैंने सवाल ये पूछा हुआ है कि सबसे पहले मेरा एल्फा फोर्टी है मेरा बेटा है सो दिस इज फोर्टी हेड्स एंड सिक्सटी टेल्स सो हमारा जो म्यू आ गया वो आ गया जीरो पॉइंट फोर के ऊपर अब मैंने इसे सवाल ये पूछा कि देन हाउ लाइकली इज इट हाउ हाउ वट्स द प्रोबिलिटी

ये पीक और कॉर्नर हो जाती तो ये नंबर हो सकता है जीरो के करीब पहुंच जाता राइट right? अब अगले वाले के अंदर आई एम गोइंग टू द 50 50 एंड आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन के मेरे चार से ज्यादा 10 फ्लिप्स में हेड आने की यानी 4% सक्सेस uh, से ज्यादा 4% सक्सेस और मोर के चांसेस कितने हैं और इट सेज कि वेरी हाई बिकॉज़ ऑलरेडी इसको काफी इस बात के बारे में पता है कि

टेन आउट ऑफ हंड्रेड या हंड्रेड आउट ऑफ थाउजेंड हेड आने के आगे क्या चांसेज हैं और ये कहता है कि दिस इज वेरी वेरी प्रॉबेबल ये तो मतलब वन है ये तो तुम्हारा इतने तो आ ही जाएंगे कम अज कम ठीक है सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस और दिस इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम होता तो शायद हमारा रिजल्ट कुछ और आता ठीक है आई होप कि यहाँ तक इस बेसिक ब्रीफ ट्यूटोरियल से आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी एक तो बेडर डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरा अपने दिमाग में एक्स्ट्रापोलेट करके उस इंपॉर्टेंट चीज की जिसको हम डरिशले प्रायर्स कहते हैं अब आपको समझ आ गई होगी ये क्या होते हैं क्यों होते हैं कैसे यूज करते हैं क्या बताते हैं ठीक है तो अब हम आगे चलें सो नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस मैक्सिमम ए पोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको याद होगा कि हम अभी एम एल ई करके आए थे और इस एम एल ई के बाद अब हम इसको मैप से सॉल्व करने लगे थे उसी सेम प्रॉब्लम को तो हमारे दो स्टेप्स का ये प्रोसेस है Uh, जिसके अंदर स्टेप वन हमारा ये है कि कि मोस्ट लाइकली थिएटर गिवन आर डेटा ठीक है ये हम करना चाहते हैं यही हमारा गोल है अभी भी लेकिन मैप प्रिंसिपल ये कहता है कि यू फाइंड द थिएटर द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन P theta given data, है इसकी आप लोग इसके एक्सपर्ट uh, है इस पूरे काम के आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होगा मैं ये थोड़ा सा रिमूव कर दूर से ताकि आपको देखने में कोई मसला ना हो ऑल राइट वॉट्स अ नेक्स्ट स्टेप वी टेक द लॉग जस्ट लाइक बिफोर मैं उसकी दोबारा रीजनिंग नहीं दूंगा लॉग हम क्यों लेते हैं हमने इसका लॉग लिया और बेसिकली दो स्टेप एक स्टेप खा गए बीच में से वो स्टेप आपको मालूम है ऑलरेडी कि हमने पहले इसको कन्वर्ट किया है दिस होल थिंग वॉज इक्वल टू द प्रोबिलिटी ऑफा गिवन फेटा इन टू द प्रोबिलिटी ऑफ थिएटा और फिर उसके बाद लॉग लिया है जिसने इसको सम में भी कन्वर्ट कर दिया है और ये दोनों तरफ लॉग भी आ गया ठीक है और मैक्सिमाइज अगर लॉग हो जाएगा तो पूरी चीज भी हो जाएगी लॉग इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग तो अब हम कॉइन फ्लिपिंग का सिनारियो इसमें लेकर आते हैं और जो अब तक की डिस्कशन है वो सारी इसमें सम अप हो जाएगी सो दी थिएटा मैप मैक्सिम ए पोस्टिलिटी इज इक्वल टू यहाँ पे एक, एक क्लास बाहर निकलनी है इसमें से एक लेबल बाहर निकलना है इज इक्वल टू आग मैक्स थेटा इसके अंदर थे प्लग इन करें और उस पूरे रैंडम वेरिएबल के ऊपर मैक्स निकालें किस पॉइंट के ऊपर पी थेटा गिवन डेटा मैक्सिमाइज होती है जो कि हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे इसमें से पी डेटा बीच में से निकल जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी अब मैंने यहाँ इसको कलर्स क्यों दे दिए मैंने कलर्स इस वजह से दे दिए कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये ओपन किस तरह से हो रहा है सो तो इसको हमने ओपन किया और ये चीज बन गई सो तो अगर आप पहला हिस्सा देखें प्रॉबिलिटी ऑफ थिएटा डेटा गिवन थियेटा इट्स एक्जैक्टली कमिंग फ्राम द फ्रिक्वेंटिस्ट व्यू जो हमने अभी फ्रिक्वेंटिस्ट में निकाल कर आए थे कि ये हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकल रहा है एंड इफ यू लुक एट द ब्लू दिस इज कमिंग फ्रॉम द बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ये दोनों चीजें आ गई अब हम इन दोनों चीजों को uh, ये बाइनोमियल से आ रहा है ये बेटा से आ रहा है और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को खोल लेते हैं और इनके इनको जमा कर लेते हैं अराउंड अराउंड थेटा एन वन माइनस थिएटा और ये करने से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी सो एन एच प्लस अल्फा माइनस वन लॉक थिएटा प्लस एन टी प्लस बेटा माइनस वन लॉग वन माइनस थिएटा आप एक काम ये भी कर सकते थे कि ये ऊपर ही करके आ सकते थे यानी आप लॉग लेने से पहले ना इसी पॉइंट के ऊपर शुरू में ही ये कर लेते कि आप इसको आ, इस पॉइंट पर यहीं पर लॉग लेने से पहले ही इनको जमा कर सकते थे अराउंड डिफरेंट बेसिस तो एक्सपोनेंट्स को वहाँ भी जमा कर सकते थे मैंने यहाँ नीचे आकर किया है एक ही बात है कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आपके पास जो चीज़ निकलेगी वो ये निकलेगी ठीक है ये बिल्कुल हमने उसी तरह सॉल्व किया जैसे पहले सॉल्व किया था uh, उसी तरह से इसको इक्वेट किया एंड वी फाइनली गेट टू रिजल्ट और जीरो के ऊपर इक्वेट करके आपके पास अगर हाँ, so now, now thing, sorry, uh, thought, के जो आपसे डिस्कस करनी थी इस पॉइंट इसमें वो ये था इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन केयरफुली यू विल सी दिस लुक्स वेरी मच लाइक आर आर मैक्सिमम लाइकलीहुडिमेट एन NH ओवर NH एच प्लस एन टी एंड दिस मच लाइक योर स्मूदिंग स्मूदिंग के अंदर क्या था यहां पर आपके पास M था और यहाँ पे आपके पास 2M एम था यहां इस फर्क क्या पड़ा सिर्फ यहाँ अल्फा माइनस वन हो गया और यहाँ अल्फा माइनस वन प्लस बेटा माइनस वन हो गया सो इसम यू हैव अगेन एज्यूम्ड अ प्रायर बिलीफ अबाउट द क्वाइन जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमारा प्रॉबिलिटी uh, ऑफ uh, Of, so you're getting you you're assuming alpha minus one and beta minus one extra throws, just may say alpha minus one successes or beta minus one failures. So essentially what you add alpha minus one over uh, alpha minus one plus beta minus one, which comes out to be this thing. ठीक है तो और और होपफुली आप इस ऊपर वाले पॉइंट पे कहीं कंफ्यूज नहीं हुए हमने यहाँ वही काम किया जो इससे पहले किया था कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया है और डेरिवेटिव लेने के बाद इक्वेट टू जीरो किया है और इक्वेट टू जीरो करने के बाद हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाल लिया ठीक है तो अगर कोई उस पॉइंट पे आई जस्ट स्किप दैट स्टेप बिकॉज आई एज्यूम कि आप के जहन में चीज़ को दी आ रही होगी लेकिन मैक्स लेने के लिए वही सेम काम हमने यहाँ पर किया है वी जस्ट टुक द डेरिवेटिव एंड वी आफ्टर टेकिंग डेरीवेटिव वी जस्ट गैदर्ड दीज वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स और इसको करने के बाद हमारे पास जो चीज़ निकली है वो ये वाली निकली इसको अपने तौर पर ड्राइव भी करके आप देख सकते हैं इसको देख लीजिएगा और ये ये जो चीज़ निकली है जस्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू ऑब्जर्व हियर इज कि दिस इज नॉट ऑल दैट वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर योर एम एल ई सो विध स्मूदिंग सो योर एम ए विद स्मूदिंग इज़ वेरी मच लाइक योर मैप फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर स्मूदिंग के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है खास अंदाज की खाली आप प्रायर्स ला सकते हैं यहाँ पर आपके पास बिल्कुल ओपन है बेजियला ओपनिंग इन एनी काइंड ऑफ प्रायर तो लिहाजा आपके पास फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी किस्म की प्रायर बिलीव को इनकॉर्परेट कर सकते हैं इन योर इन योर पॉबिलिटीज़ इन योर मॉडल्स फाइनली प्रोजेंड कॉन्स अगेन इसी ऊपर वाले लिंक uh, से मैं डायरेक्टली ये ला रहा हूँ सो द मैप एस्टिमेट इज आइडेंटिकल टू एम एल ई वेयर वेयर योर एल्फा माइनस वन आर योर इमेजिन और योर योरूसिनेटेड हेड्स एंड योर बेरा माइनस वन आर योर इमेजिन टेल्स जो कि अभी हमने पिछले उसमें देखा है ठीक है एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी योर मैप अप्रोचेज टू एम एल ई ठीक है, बिकॉज हमें पता था ना कि जब एन बहुत ज्यादा फ्लिप्स हो जाएंगे तो एम तो परफेक्ट था लेकिन उस केस में हमारा मैप भी एम के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा बिकॉज एल्फा माइनस वन और बेटा माइनस वन उस पॉइंट तक रेलिवेंट हो जाएंगे आपका एन ही इतना बड़ा है ये हमने वहां पर भी देखा था ये स्मूदिंग के जो नंबर्स हैं अगर वो इतने छोटे हैं आपने एक दो तीन की स्मूदिंग की हुई है या सौ की भी की हुई है हज़ार की भी की हुई है आपने अपने हज़ार हेड ज्यूम कर लिए थे आउट ऑफ टू थाउजेंड थ्रोज और वो वो भी छोटे पड़ जाएंगे व्हेन योर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी सो योर मैप विल इसेंशली रीच योर एम ठीक है आपका प्रायर क्या भी वहाँ पर जो है ये वो जो इफेक्ट है ये प्रायर जो कि इसेंशली स्मूदिंग करा रहा है वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा ठीक है कंपेयर टू योर योर एक्चुअल एन एच एन एन टी जो इन्फिनिटी की तरफ जाने से हो रहे हैं अच्छा मैं बहुत अच्छा है अगर आपका प्रायर अच्छा है तो अब अब ये बात हम प्रूव कर चुके हैं इससे पहले हम ये बातें खाली हमने हवाओं में की थी जब पहली दफा हमने बेजियन को देखा था सो so, प्रायर अच्छा है अगर तो आपका मैप अच्छा है और अगर ये हो सकता है अगर ट्रैक्टेबल है ये भी पांच दफा मसला आएगा कि वो प्रायर मौजूद होंगे लेकिन हम उसको डील नहीं कर सकेंगे एन इफ यूर एन ए स्मॉल मैप कैन लीड टू वेरी रॉन्ग आउटकम्स अगर प्रायर बिलीव गलत है सो so, अगर आपका प्रायर गलत है और डेटा भी कम है आप बिलीव करके आए थे कॉइन फेयर है डेटा आपने एक दो फ्लिप किए अपने नए वाले कॉइन के वो बिल्कुल फेयर नहीं था लेकिन लेट्स से प्रायर के अंदर आपके पास जो एक्जाम्शंस थी वो आपकी थी कि जी आपने वन थाउजेंड एज्यूम किए हुए थे हेड्स और एज्यूम किए हुए थे जी वन प्लस वन ये आपने बीच में प्रायर डाला हुआ था और आपके जो एक्चुअल फ़्लिप्स आपने किए वो किए वन फ्लिप किए और आपने इसके ऊपर जो है उसमें से टू आपके पास आ गई वन uh, आपके पास हेड आया और टू आपने टोटल फ्लिप्स किए थे तो अब ये चीज का असर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस तो यहां पर अगर ये वन ओवर टू ना भी होता लेट से ये कोई और नंबर होता दिस वुड हैव बीन लाइक वन ओवर आई डोंट नो सेवन तो देन इस ये कुछ और कह रही है बात और ये कुछ और कह रहा है लेकिन इवेंचुअली ज्यादा असर किस चीज का होगा ज्यादा असर इसका होगा इसका नहीं होगा तो so डेटा कम है और आपके प्राय बिलीव गलत हैं वो मैच नहीं करते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल को तो so, उस केस में यू कैन गो वेरी वेरी रॉन्ग ठीक है जी होपफुली इट्स क्लियर